लो भाई आ गई अपनी एक्टिवा। तो भाई आज डेट है 26 जुलाई और वक्त होगा सुबह के 11। तो टाइटल देख के समझ गए होगे कि आज के व्लॉग का पंगा क्या है। तो भाई मेरे घर वालों को एक और एक्टिवा की जरूरत पड़ गई है, तो हमने सोचा चलो एक सेकंड हैंड एक्टिवा खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे दुकान के लिए वो अगर घर के यूज के लिए होती तो नई भी खरीद लेते थे। तो कल मैंने ओएलएक्स पे एक एक्टिवा देखी और मुझे भाई पसंद आई, तो आज वही खरीदने जा रहा हूँ मैं। और तब मैंने सोचा कि भाई एक्टिवा खरीद ही रहे सेकंड हैंड, तो एक ब्लॉग भी बना देते हैं इस पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि जब आप एक सेकंड हैंड कोई बाइक खरीदते हो कि क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो वही आपको बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले नहीं, एक्टिवा तो चाहिए, मतलब गाड़ी तो चाहिए, गाड़ी नहीं होगी तो बताएंगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले गाड़ी लेने चलते। चलो भाई देखो, प्लान तो पहले बना था न्यू एक्टिवा लेने का, लेकिन फिर हम लोग ने देखा कि भाई आजकल ऑन रोड एक्टिवा 1 लाख के ऊपर की आती है, और भाई वैसे भी दुकान के लिए एक्टिवा चाहिए, आज पर्सनल यूज के लिए चाहिए नहीं, तो हम लोग सोचा बता गए जाने दो भाई एक सेकंड एक्टिवा खरीद लेते हैं। ऐसे लोग हमें 3 गाड़ी पहले से एक एक्टिवा, एक एफजेड और एक केटीएम है, लेकिन अभी एक और एक्टिवा की जरूरत पड़ गई है, इसलिए भी वही लेने जा रहे हैं। एक्टिवा की कंडीशन मैंने देखी है, 30,000 किलोमीटर चली एक्टिवा, लेकिन कंडीशन भाई टॉप क्लास कंडीशन है, खाली एक का हल्का सा डेंट है, बाकी का कंडीशन बहुत अच्छे है। अभी टाइम वाला मैं बोले कि भैया 12 बजे से पहले गाड़ी घर पे आ जाने चाहिए, वरना अपना मुंह मत दिखाना, क्योंकि 12 बजे तक का ही मोहरत है। यही रहता है वो बंदे की एक्टिवा। लो भाई आ गई अपनी एक्टिवा। देख लो उजाले में, धूप में भी कंडीशन देख लो वैसी है, कल रात में थी, देखो भाई ऐसी कंडीशन है गाड़ी की, बस एक हल्का सा इधर डेंट है, वो करवा सकते हैं, वो तो होता ही है भाई, अभी 4 साल से नहीं, वो वीडियो के लिए बोलना पड़ता है, हाँ क्या नाम है, स्पीडो व्लॉग, मोटो व्लॉगिंग, सुन रहे चलो भाई आगे एक्टिवा, और कंडीशन में बोला, देखा आपने कंडीशन दिखाया मैंने आपको, कंडीशन बहुत अच्छी है गाड़ी की, जो हल्का सा डेंट है, और बाकी इसका मतलब एक्सेलेरेटर जो है वो थोड़ा टाइट है, उसको ढीला करवाना पड़ेगा, बाकी गाड़ी इंजन सब फर्स्ट क्लास है, और जो है मैं स्कूटी से भी चलाता हूँ, बहुत कम बहुत ड्राइव मिलते हैं जब मैं स्कूटी चलाता हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है, और स्कूटी में क्या होता है पता, उसका हैंडल मुझे बहुत हल्का लगता था, ऐसे बार बार गाड़ी हिलती होती है, इसलिए मैं स्कूटी चलाता नहीं, और अभी टाइम हो गया 11:30, आधे घंटे में मेरे कैसे लोगों को घर पर पहुँचना पड़ेगा, मतलब मेहनत निकल जाएगा। और हाँ भाई, अभी ये आखिरी व्लॉग है जो आपको मुंबई में देखने मिलेगा, यानी कि शायद 2-3 व्लॉग आपको मुंबई के नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश, क्योंकि भाई अभी मुंबई में कुछ नहीं रखा यार, कहीं भी घूमने जाओ तो पकड़ लेते, मतलब उनका भी भाई सही है, उनका भी कहना सही है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना है, तो सोशल डिस्टेंस जितना हो सके उतना मेंटेन करो, पब्लिक प्लेस पे ना जाओ, लेकिन भाई हम भी क्या कर रहे हैं इतने, मतलब मैं घूमने फिरने वाले में से हूँ, घर पर मुझे बैठा नहीं जाता है, और मैं आपको एक चीज बोलना भूल गया कि इसका इंश्योरेंस भी खत्म हो गया, तो मेरे को इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, और पेपर वर्क से कल मैं होता हुआ, तो कल मैं तो हुआ नहीं, कल मैं तो लखनऊ जा रहा हूँ, तो मेरा भाई वगैरह करवा लेगा इसका पेपर वर्क कल जाके। लो भाई एक्टिवा लेके आ गए, अब बात करते हैं कि अगर आपको सेकंड हैंड बाइक खरीदते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाई सबसे पहला पॉइंट जो ऐसा मुझे, ऐसा मैं मानता हूँ, आपको बाइक अच्छी लगनी चाहिए, मतलब बाइक आपके दिल को छूनी चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, हो तो आपको एक फीलिंग और खुद ही समझ जाओगे। अब बात आते हैं टेक्निकल पॉइंट पर, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है एक सेकेंड हैंड बाइक में, क्या बाइक एक्सीडेंटल है या नहीं, मैं शायद से ऐसे बात कर लेता हूँ वरना ऑडियो सही नहीं आएगी, चीज़ जो आपको देखनी है बाइक में कि क्या बाइक एक्सीडेंटल है या नहीं, देखो ऐसा आपको पता नहीं चलेगा कि बाइक एक्सीडेंटल है या नहीं, क्योंकि क्या पता उसने ओनर ने पार्ट्स चेंज करवा दियो, लेकिन ये एक ऑब्जर्व करने का तरीका, बाइक को चला के देखो कि बाइक स्मूथ चल रही है या नहीं, या फिर बाइक में कोई वाइब्रेशन है या नहीं, या फिर बाइक में कोई अलग सी साउंड आ रही है, और एक और चीज़ जो आपको चेक करनी है, आपको दोनों हाथ छोड़ के गाड़ी को चला के देखना है कि आप गाड़ी वन साइड जा रही है या नहीं, अगर वन साइड जा रही है गाड़ी यानी कि उसकी हैंडलिंग पोजीशन सही नहीं है। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो आपको दिखाता हूँ मैं, आपको चेक करना है कि क्या गाड़ी का इंजन खुला है या नहीं,
देखो इसमें मैं स्कूटी वगैरह की बात कर रहा हूँ कि अगर स्कूटी वगैरह में गाड़ी का इंजन खुला होता है तो फिर गाड़ी बार बार खर्चा मांगती रहती है। मैं भी आपको चला के देखना है कि स्मूथ चल रही है या नहीं गाड़ी, या फिर गाड़ी में कोई ऑयल लीकेज हो रहा है या नहीं। देखो एक्टिवा की बात करूँ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ऑयल लीकेज हो रहा है या नहीं। ऑयल लीकेज हो रहा तो मेरा मानना ऐसा है कि भाई गाड़ी मत लो, वरना वो बार बार खर्चा मांगती रहेगी फिर। तो जो तीसरी चीज़ें जो चेक करनी है आपको, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक एक करके आपको सब बताता हूँ। आपको चेक करना है कि भाई गाड़ी के ब्रेक सही लग रहे हैं नहीं, आगे और पीछे दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। साथ साथ ये भी देख लेना कि भाई गाड़ी के टायर की लाइफ बची या नहीं। आप ग्रिप देख के समझ जाओगे कि गाड़ी के टायर की लाइफ बची या नहीं। अगर गाड़ी के टायर की लाइफ नहीं बची है तो आप उससे चेंज करवा लो, या फिर कुछ नेगोशिएट करके आप करवा लो। और एक और चीज़ आप गाड़ी में देख लो कि कितने हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है। देखो अगर गाड़ी 20,000 या फिर 25,000 किलोमीटर चली है तो भाई ठीक है, भाई गाड़ी ले लो, काफ़ी अच्छी कंडीशन है। लेकिन अगर गाड़ी 30,000 या फिर 35,000 किलोमीटर चली है तो भाई गाड़ी डेफिनेटली आपको कुछ खर्चा देगी। लेकिन ये हर बार भी ज़रूरी है, क्या पता जो ओनर उसने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हो अपनी गाड़ी को, टाइम टू टाइम उसने सर्विस की हो, ये चेक करने के लिए आप उसके सर्विस रिकॉर्ड चेक करो। अगर गाड़ी भाई टाइम टू टाइम सर्विस हुई है, अगर गाड़ी 30,000 या 35,000 किलोमीटर भी चली ना, तो डेफिनेटली भाई गाड़ी ले लो, कोई जैसे दिक्कत की बात नहीं है। और एक और चीज़, बटन वगैरह सब चेक कर लो भाई, ये तो भाई एक बेसिक चीज़ है, बटन वगैरह सब चेक कर लो कि बटन काम कर रहे या नहीं। तो ये सब मैंने आपको टेक्निकल बातें बता दी, और अगर आपको कुछ भी और अगर आपको लगता है कि जो चेक करना हो खुद आप चेक कर लो। अब बात करते हैं पेपर वर्क के बारे में। तो भाई अब बात करते हैं पेपर वर्क के बारे में। तो देखो पेपर वर्क में आपको चाहिए होगा फॉर्म 28 की 3 कॉपी, फॉर्म 29 की 1 कॉपी और फॉर्म 30 की 1 कॉपी। और इसके अलावा इसमें आपको लगेगा एक डिलीवरी फॉर्म, और सेलर का आपको लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का जेरॉक्स। ये सब बात हो गई अभी सेलर के साइड से। अगर आप बायर हो तो इसमें आपको सेलर को देना होगा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का जेरॉक्स। ये सभी डॉक्यूमेंट सेलर अपने आरटीओ में देगा और आपके नाम की आरसी के लिए अप्लाई करेगा। अगर ओनर को इन सब के बारे में कुछ ज्यादा पता ना हो तो एक एजेंट के थ्रू भी करवा सकता है। एजेंट 500,000 लेगा, लेकिन आपका काम काफी आसानी से वो करके दे देगा। तो मैं सेलर की तरफ से एक और पॉइंट बोल देता हूँ, अगर आपको अपनी बाइक कोई और स्टेट में बेचनी हो तो आपको एक एनओसी का फॉर्म अपने आरटीओ में सबमिट करना पड़ेगा, ताकि आरटीओ की तरफ से क्लियरेंस आ जाए कि आपकी गाड़ी पे कोई भी चालान पेंडिंग नहीं है और आप अपनी गाड़ी कोई और स्टेट में बेच सकते हो। तो भाई जाने से पहले आपको एक मेजर टिप दे देता हूँ, अगर आप OLX से गाड़ी खरीदे तो भाई आजकल OLX पे बहुत स्कैम होते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो कोई एक्सपीरियंस बंदे को लेके जाओ अपनी गाड़ी खरीदने के लिए। तो बस भाई यही सब बातें थी। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला है, कमेंट कर देना, मैं आपको पक्का 100% रिप्लाई दे दूंगा। तो बस भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी तो कमेंट भी कर सकते हो। हमेशा मैं बोलता हूँ कि शेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन भाई आज शेयर करो, भाई ये काफी नॉलेजेबल वीडियो किसी और के भी काम आ जाएगी। और बस मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय, पीस आउट। मैं तो बता के दे रहा हूँ, पकड़ दे रहा था तो पेपर घुमा दिया, तो फिर वो हो जाएगा पकड़ मगजमारी।